ज्वालामुखी नागरिक अस्पताल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके और सभी का इलाज भी नियमों के तहत होता रहे और आम जनता को कोई परेशानी ना हो। ज्वालामुखी अस्पताल में बिना थर्मल टेस्टिंग के किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती है। जो भी मरीज या ताम्रधार अस्पताल में पहुंचता है उसे पहले थर्मल टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसे नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी में प्रवेश किया जाता है। अस्पताल में पूरे नियमों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। पहले कुछ मरीज अंदर जाते हैं और उनके आने के बाद ही बाकियों को अंदर जाने दिया जाता है। अस्पताल में भीड़ इकट्ठी ना हो इसके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि अस्पताल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई गई है और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग निरंतर किया जा रहा है और अस्पताल में आने जाने वालों की थर्मल टेस्टिंग भी जरूरी कर दी गई है, तभी उनको अस्पताल में प्रवेश दिया जा रहा है, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। सभी लोग वहाँ पे खुले में खड़े होते हैं और बारी बारी उनकी थर्मल स्कैनिंग से उनके टेम्परेचर की जाँच की जाती है, उसके बाद भी उनको हॉस्पिटल के अंदर जाने दिया जाता है। अगर किसी को व्यक्ति को टेम्परेचर हो तो उसके लिए अलग फ्लू ओपीडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो जनरल ओपीडी है उसमें भी बारी बारी ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग अंदर से बाहर आते हैं उसके बाद हम नए लोगों को अंदर लेकर जाने की अनुमति देते हैं और लोगों को ये भी जागरूक करते हैं कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही रहें ताकि खुद को बचा सकें और लोगों को भी बचा सकें।